सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, होप यू गाइस एवरीथिंग परफेक्टली फाइन। सो काफ़ी टाइम हो गया था, मिरर्स के ऊपर कोई वीडियो है नहीं अपने चैनल के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, कुछ नया करने से ही कुछ नई सीख मिलती है, इसीलिए कुछ नया करते हैं तो नई चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे हाथ में ये मिरर्स है, ये मिरर है अपना, आपने देखा होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर में लग के आते हैं, जितनी भी एसयूवी कार होती है सबों के अंदर ये जो मिरर्स है ये लगा होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जब अपनी गाड़ी के अंदर आप बैठे रहते हो तो आपका साइडों का सब कुछ दिखता रहता है और आपका बोनट वगैरह सब नज़र आता है, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो लगाने के बाद में देखना कि कितना बढ़िया लगेगा अपनी गाड़ी के अंदर, और ये आपकी गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देने वाला है लगने के बाद में। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं अपनी कार के अंदर। सो ये आ जाता है हमारा इसका बॉक्स, तो बॉक्स देख पा रहे हो, ये है कुछ नॉर्मल सा बॉक्स है और इसके अंदर ये हमारा मिरर है, तो वो है हमारा मिरर इसके अंदर है, तो निकाल के दिखाता हूँ। तो ये है देखिए मिरर, तो ये बना हुआ है फुल प्लास्टिक से और इसके जो मिरर की क्वालिटी है भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा वाइड एंगल दिख रहा है इसके अंदर, तो देख पा रहे हो साइड वाइड से हर जगह दिख रहा है, और इसके अंदर है कुछ फिटिंग्स वगैरह इसकी, और ये लगेगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको होल करके, और जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर है इसके स्क्रू के 1 और 2, तो ये लग जाएगा हमारा इधर। तो लगाने के बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका लुक कैसे आएगा। सो होल के लिए यहाँ पर मार्क करा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 1 होल के लिए और यहाँ पर आ जाता है हमारा दूसरे होल के लिए, तो ये हो गया हमारा मार्क हो गया। तो हम इसको निकालने के बाद में तो हम स्क्रू से यहाँ से होल कर देंगे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 और 2 यहाँ पर हमारे स्क्रू लगेंगे कुछ होल के लिए। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर होल, सो इससे ये होगा हमारी बॉडी के अंदर इसका होल हो जाएगा और हमारा मिरर से इसके ऊपर अच्छे से टाइट हो जाएगा। सो यहाँ का होल हो चुका है अपना, और अब यहाँ के करते हैं होल। सो ये है हमारा स्क्रू, सो देख पा रहे हो सो दोनों स्क्रू के लिए होल हो चुके हैं 1 और 2। अब यहाँ पे लगाते हैं अपना मिरर्स, तो ये हमारे स्क्रू पे इस पर लग जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है गाइस, अगर आप ध्यान से समझो तो जैसे कि आप ये मिरर देख रहे हो तो इसके अंदर हमारा पहला स्क्रू लग जाएगा और यहाँ पर हमारा दूसरा, और इसी के साथ में ये जो रबड़ है तो रबड़ लग जाएगी हमारी, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। गाइस देख पा रहे हो अपना मिरर है वो लग चुका है, और लगने के बाद में देखो भाइयों क्या अल्टीमेट लुक दे रहा है, एकदम एसयूवी वाला। मजबूती देखना चाहते हो आप मिरर की, ये देखो भाइयों सिर्फ ये ऊपर नीचे हो रहा है, इससे क्या होगा आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, और यहाँ से देख पा रहे हो ये देखो पूरी चैसी हिल चुकी है और मिरर अपना कहीं का कहीं नहीं जा रहा। और देखो गाइस क्वालिटी देखो, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं ये मिरर्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है, सो देख पा रहे हो पूरा वाइड एंगल दिख रहा है भाइयों। साइड में देखो जो वॉल है तो वॉल भी दिख रही है इसके अंदर, और अंदर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को किस तरीके से नज़र आता है। सो गाइस अंदर बैठने के बाद में अपने को मिरर कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और देख पा रहे हो साइड में का हर कुछ दिख रहा है कि हमारे आसपास क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है, और ये देखो थोड़ा वाइपर मेरा ऊपर हो रखा है तो इस वजह से बीच में आ रहा है। एंड लगने के बाद में देखो गाइस अल्टीमेट लुक आ रहा है भाई, अल्टीमेट एकदम ये। तो दूसरी पोजीशन हमारी यहाँ से देख पा रहे हो, ये देखो गाइस पूरा यार वाइड एंगल जो होता है ना, ये देखो एकदम गोप्रो की फीलिंग दे रहा है, ये देखो साइड में हर जगह से सब कुछ दिख रहा है भाई। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्च्यूनर वाला मिरर। Know what I could be. Making the most of painful answers. Tell me, is this what you made me? गाइस
अगर ये आपको मिरर अपनी गाड़ी के अंदर लगाना है, कुछ नहीं करना होता है, दो स्क्रू लगाने होते हैं सिर्फ अपनी गाड़ी के बम्पर पे, और जैसे कि आप ये साइड गार्ड देख रहे हो तो यहाँ पे लग चुका है अच्छे से, मजबूती देखो कितनी गाइस ज़बरदस्त है, और ये हर गाड़ी के अंदर लग सकता है, सूटेबल है सारी गाड़ियों के साथ में, फोर व्हीलर्स है जितने भी आपके लगा सकते हो, और इसके कलर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेक्नो खान स्टोर के अंदर, तो आपको वहाँ पर हर तरीके की कार एसेसरीज मिल जाती है, बाइक एसेसरीज मिल जाती है, स्कूटर एसेसरीज मिल जाती है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो इन मिरर्स को, और भी चीज़ें आप ज़रूर जाइए और फॉलो भी ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आप मेरे ये गले के अंदर देख पा रहे हो, ये है मेरे पास में टैग डिजिटल के हेडफोन पावर बेस है, और जो इसकी जो साउंड क्वालिटी गाइस अल्टीमेट है, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ इस माइक के अंदर कि किस तरीके से साउंड आती है। सो अभी मैं अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो ये iOS से और एंड्रॉयड से सबसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर है ब्लूटूथ, तो ऑब्वियसली बात है ब्लूटूथ वाले फ़ोन से सब उसे कनेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ऑक्स का भी, ताकि आप अपने फ़ोन के हेडफोन इसके अंदर लगा के इसको ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मिल जाता है इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन और बेस का, और चला के दिखाता हूँ। चेंज हो भी जाता है इसे गाइस गाना, जबरदस्त साउंड है। अगर गाइस आपको ये परचेस करने हो तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर जो भी कूपन कोड वगैरह रहेगा तो लिटरली बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही अच्छी साउंड है, प्रीमियम साउंड है, मतलब ये नहीं कि कानों में चुभ रही है, ये है वो बेस भी आपको एक अल्टीमेट जो बेस है वो मिल जाती है आपको। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, होप यू गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार गिव अ थम्स अप, और नई नई मोटिफिकेशन वीडियो देखना चाहते हो तो टेक्नो को सब्सक्राइब करो ना, लाल वाला बटन है वहाँ पर जाके प्रेस करो, और बेल आइकन का भी दबा देना, अगली वीडियो भी तो देखनी है ना आप लोगों को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।